अमित, दिल्ली में तो मैं भी रहती हूँ तो मौसम से तो वाकिफ हूँ, लेकिन राहत कब मिल सकती है? किस तरह के प्रिडिक्शन दिल्ली के वेदर को लेकर किया जा रहा है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि पारा चढ़ता ही जा रहा है, 45 पार बना हुआ है। मलिका, अगर हम लोग दिल्ली की बात करें तो दिल्ली वालों के लिए राहत के ये 2-3 दिन अभी शुरू हो चुके हैं। हालांकि जब मैं राहत की बात कर रहा हूं तो ये बड़ा कॉन्टेक्चुअल है। अभी पारा हमने देखा था कि रविवार को लगभग 50 डिग्री तक पहुंच चुका था और लगातार 47, 48, 49 डिग्री तक तापमान दिल्ली में रहा था। तो उस हिसाब से आज और कल 2 दिन जो हैं ये बहुत राहत भरे होने वाले हैं। 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर में ढलान राष्ट्रीय राजधानी और NCR के इलाके में देखने को मिलेगा। लेकिन 20 तारीख एक बार फिर से हीट वेव की दस्तक लेके दिल्ली में आ रही है। 45 डिग्री के आसपास अधिकतम तापमान दिल्ली में 20 मई को हो जाएगा। और 20 मई के बाद जिस राहत की, असली राहत की हम लोग के इंतज़ार में हैं दिल्ली वाले, वो राहत हमें 21, 22 और 23 मई को दिल्ली और NCR के इलाके में देखने को मिलेगा। उम्मीद ये है IMD के प्रोजेक्शंस के हिसाब से कि 21 मई को तेज़ हवाएं चल सकती हैं, थंडर स्टॉर्म होगा, सैंड स्टॉर्म होने की संभावना है दिल्ली और NCR के इलाके में। और जैसे ही 22 और 23 मई की हम बात करें तो उस दिन बारिश होने की भी संभावना है, क्लाउडी वेदर रहेगा, जिसकी वजह से दिल्ली वालों को उम्मीद है कि थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन क्लाउडी वेदर के साथ दिल्ली में एक समस्या हम पिछले कुछ दिनों में देख रहे हैं कि मई में जब भी क्लाउडी वेदर हुआ है, भले ही पारा ढुलक जाता है लेकिन उसके साथ एक तरह से उमस की परेशानी होती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर आपको ज़्यादा महसूस होता है। तो दिल्ली वालों के लिए थोड़ी राहत है, लेकिन राष्ट्रीय तस्वीर जो है वो इस वक्त थोड़ी कठिन नजर आ रही है। जयपुर में गर्मी और कितना सताएगी लोगों को, क्या किस तरह के अलर्ट, किस तरह की प्रेडिक्शंस मौसम को लेकर देवांकुर? इस समय प्रचंड गर्मी है जयपुर में, राजस्थान के कई हिस्सों में। जो पश्चिमी भाग है राजस्थान का, जिसमें जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर जैसे जिले आते हैं, और उसके अलावा चुरू जो शेखावटी बेल्ट है जिसमें चुरू, सीकर, झुंझुनू आते हैं, यहाँ पे गर्मी का प्रकोप सबसे ज्यादा है। आपने पूछा हीट वेव के बारे में, हीट वेव का जो है प्रिडिक्शन ये है कि आज बना रहेगा। कल थोड़ी सी फौरी राहत जरूर मिली थी लोगों को, पर वो बहुत छोटे समय के लिए थी। कुछ जगह डस्ट स्टॉर्म भी प्रिडिक्ट की गई थी, हल्की बूंदाबांदी भी प्रिडिक्ट की गई थी, पर इस समय का जो मौसम है वो प्रचंड गर्मी का है। इस समय बाहर निकले हुए मुश्किल से 5 से 6 मिनट होते हैं कि आपका जो शरीर होता है वो पसीने से तर बतर हो जाता है। लोग कोशिश करते हैं कि अगर अपने जरूरी कामों के लिए बाहर निकल रहे हैं तो उनको कोशिश करनी चाहिए कि अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, ताकि जो हीट स्ट्रोक है या जो लू के थपेड़े हैं वो उनको ना लगें। इस समय गर्मी का इतना बुरा हाल है कि जगह जगह पर आप देख सकते हैं लोग कोशिश करते हैं कि प्याऊ लगा कर रखें, लोगों को पानी की जो सुविधा है वो उपलब्ध करवाएं। इसके अलावा जो लोग हैं उनको, अगर वो बाहर निकल रहे हैं तो वो कोशिश कर सकते हैं कि पेयजल जो है वो समय समय पर ग्रहण करें, जैसे कि छाछ हो गई, लस्सी हो गई, जूसेस हो गए, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में हीट स्ट्रोक ना हो, आपको लू के जो थपेड़े हैं उनको मुकाबला करने में थोड़ी शक्ति मिले।